आखिरी डिलीवरी हमने करी नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन के नीचे। भाई मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़े हुए हैं नोएडा सेक्टर 150 में, एक कस्टमर का इंतज़ार कर रहे हैं। पार्सल मेट्रो के नीचे देना है, वो भाई यहीं पे ही आ रहे हैं। 356 रुपये की ट्रिप थी पोर्टर के अंदर थी, आज तो कमाल हो गया। हम जो आपको कहते हैं ना, सभी ऐपों को इस्तेमाल करो, किसी एक ऐप के भरोसे मत रहो, आज लगभग हमारे साथ वही हुआ है। सुबह हमने गुड़गांव की ट्रिप उठाई वी फास्ट के अंदर, एक और ट्रिप उठाई वी फास्ट के अंदर, गुड़गांव पहुँचे और उसके बाद जो है वहाँ से फिर हमने उठाई उबर के अंदर, उबर कनेक्ट की ड्यूटी कीर्ति नगर की, कीर्ति नगर पहुँचे और फिर वहाँ से साधुपुर डिपो के पास से उठाई नोएडा की ड्यूटी। भाई अगर काम करना है तो सभी ऐपों को मौका दो, सभी ऐपों के साथ काम करो, क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं, आपको इन कंपनियों का मालिक नहीं बनना है। तो भाई इसलिए मेरी राय यही है कि सभी भाई जो है सब ऐपों के साथ काम करो, जिस ऐप में आपको काम मिल रहा है उस ऐप में आप काम करो और खूब काम करो, जम के काम करो। बात करते हैं अब हम जरा मूवर्स की, यानी जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछली वीडियो में हमने मूवर्स के बारे में एक ट्रिप दिखाई थी, एक नहीं दो ट्रिप दिखाई थी, जिसके अंदर कस्टमर ने हमको अपनी लोकेशन पे भी बुला लिया था और लोकेशन पे बुलाने के बाद ट्रिप कैंसिल कर दी और हमको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, हम उसको कॉल नहीं कर पाए। तो भाई मूवर कंपनी ने उस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए हमारी इस कंप्लेंट के ऊपर तुरंत कार्रवाई करी और कस्टमर की आईडी को हमेशा के लिए बंद कर दिया। साथ में अपने जो कस्टमर से बातचीत करी है उसकी रिकॉर्डिंग भी हमें भेजी है। तो भाई मैं सैल्यूट करता हूँ मूवर्स के कस्टमर केयर को, जिन्होंने कस्टमर की आईडी को बंद कर दिया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए, आप किसी भी कंपनी से के साथ काम करिए, इस चीज़ का बिल्कुल भी रोक नहीं है कि आप किसी कंपनी के साथ काम करिए। कंपनी अपने नियम और कायदे कानून के अनुसार चलती है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, पोर्टर हो, मूवर्स हो, अंकल डिलीवरी हो या बोर्जो हो, सबके नियम पहले से ही बने हुए हैं। जब हम इस कंपनी में नहीं आए थे, हमने इन कंपनियों के ऐप डाउनलोड नहीं किए थे, उससे पहले इनके नियम बने हुए हैं। हम अगर इन ऐपों को डिलीट कर देंगे तब भी इनके नियम वही रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो हमको इनके नियम पढ़ लेने चाहिए या दूसरे राइडर से पता कर लेना चाहिए, और अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो गालियां नहीं देनी चाहिए। अक्सर राइडर क्या करते हैं कि ग्रुपों में, वीडियो में, कमेंट्स में इन कंपनियों को गालियां देना चालू कर देते हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। देखिए कल हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन हमने सभ्यता के साथ अपनी बात को रखा और उसके ऊपर कार्रवाई कंपनी ने तुरंत करी, आपने भी देखा। ऐसे ही हमारे एक यूट्यूबर भाई हैं, उन्होंने बोर्जो के बारे में कुछ गलत बोल दिया था, जबकि उनके फैन फॉलोइंग की बात करूं तो 50,000 से ऊपर है, उनके पास बहुत तगड़ी पावर थी अपनी बात को, लेकिन उन्होंने शायद दूसरे तरीके से रखा, इस वजह से कंपनी ने उनकी आईडी बंद कर दी, ना कि कस्टमर की आईडी बंद करी। अब क्या मैटर था इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। राय मेरी यही है कि आपको अगर कोई कंपनी अच्छी नहीं लगती है तो आप उससे परेशान है उस कंपनी से, तो एक बहुत आसान तरीका है, उस ऐप को डिलीट कर दीजिए।